फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। हम लोग एक नई ट्रिक के साथ आपके साथ बने हुए हैं और इसमें हम लोग जानेंगे ये लाभ हानि का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें अक्सर बच्चों का सवाल गलत हो जाता है क्योंकि वो अपने हिसाब से सोचते हैं तो वो चीज़ें तो गड़बड़ हो जाता है। एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे, पर एक कॉन्सेप्ट है वो आप सीख लीजिए। जैसे आपने किसी चीज़ को 100 रुपये में बेचा और आपको हानि हो गई, कितने की? 20 की। तो कोई बताएगा कि कितने में हमने खरीदी थी वस्तु को? तो अब कोई कहेगा 80 और कोई कह सकता है 120। ठीक है, तो बच्चे का मन में ये रहता है कि 100 में बेच रही है, 20 का हानि हो रहा है, इसका मतलब 80 में खरीदी होगी। अगर आप यूँ सोचें कि 80 में अगर आपने खरीदी है और 100 में बेच रहे हो तब तो लाभ हो रहा है, जबकि यहाँ पर क्या हो रही है? हानि। इसका मतलब ये वैल्यू गलत है। आपने खरीदी कितनी में? 120 की। कितने में खरीदी? 120 में। और बेची कितने में? 100 की। कितने की हानि होगी? 20 का। मतलब ये कॉन्सेप्ट सही है। तो इसका मतलब हमको कब जोड़ना है, कब घटाना है, कैसे पता चलेगा, इसके लिए हम आपको बताते हैं। देखो, अब देखो, जब कभी भी हानि हो तो जुड़ता है सीपी निकालने के लिए 120 में। अगर यही चीज होता कि 100 रुपये में बेची और लाभ हो जाए अगर 20 का, तो इसका मतलब हमने कितने में वस्तु खरीदी है? 80 रुपये में वस्तु खरीदी है। अब क्या होगा, 100 रुपये में आपने बेची, 20 का लाभ हो रहा है, इसका मतलब बस तुमने कितने में खरीदी? 80 में। ये चीज़ आप समझ गए? चलिए ठीक है, तो ये सवाल देखते हैं। अरे, एक विक्रेता को 36 संतरे बेचने पर 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। कह रहे हैं जब आपने 36 संतरे हमने बेचे हैं और तो जो हमको हानि हुई है जो संतरे बेचने पर, यानी सेलिंग प्राइस कितना, 36 संतरे बेचने पर हमको 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो गई है। हानि कितने हो गए? 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर। तो आपसे पूछा जाएगा तदनुसार उसकी हानि परसेंट क्या है। ठीक है, अगर हानि होगी तो हानि परसेंट पूछेंगे, लाभ होगी तो लाभ परसेंट होगा। तो बस लाभ हानि आप लोग कैसे निकालते हैं, तो हाँ पे निकालनी है हानि परसेंट। तो हानि पहले तो हम लोग ये जानेंगे लाभ हानि निकालते कैसे हैं। तो लाभ हानि जैसे हानि परसेंट निकालना है तो आप जानेंगे कितने की लाभ हुई और कितने पर हुई। एक चीज और बता दें, चाहे वो लाभ चाहे वो हानि, वो हमेशा किस पर होता है? क्रय मूल्य पर होता है। गुणे में कितने लगते हैं? 100। बस ये, अगर हानि परसेंट निकालना है तो ऊपर हानि लिखना है, अगर लाभ परसेंट निकालना है तो ऊपर लाभ लिखना है, नीचे हमेशा क्रय मूल्य लिखा जाता है। ये चीज आप क्लियर ना सभी लोग? तो चलिए देखिए, बस अब क्या करना है, अब आपको हानि परसेंट निकालनी है। तो हानि परसेंट बराबर कितने की हानि हुई ये तो पता है, 4 की। कितने पर हुई है? अब क्रय मूल्य हमको बटे में चाहिए। तो देखो, यहाँ पर 36 रुपये में बेच रहे हो और 4 की हानि हो गई, तो इसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अभी आपको बताया गया कि हानि वाले केस में हम लोगों को क्या करना है, जोड़ देना है। 36 4 40 40 हो गया क्रय मूल्य। गुणे में कितना लगाओगे? 100। ये 0 0 कट गया, 4 से 4 कट गया, ये आपके 10% बच गए। इसका मतलब कितने परसेंट की हानि हो गई हमको? कितने परसेंट की हानि हो गई? 10%। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। ऐसे ही बहुत सारे सवाल हैं, 4 से 5 सवाल हैं, वो हम आपको आपको सिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं। एक सवाल है, 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो कितनी सेलिंग की है? 100 पेंसिल। लाभ कितना हुआ है? 20 का। तो हमें देखो, लाभ होगा तो लाभ परसेंट पूछेंगे, स्पेशल केस है। एक केस और होता है वो हम बताते हैं। जैसे आपने ये मन में सोचा होगा कि 100 पेंसिल बेचने पर 80 पेंसिलों के क्रय मूल्य के बराबर वैल्यू है। अब ये केस अलग है और ये केस अलग है। इस वाले केस में हमें ये नहीं पता होता है कि लाभ हो रहेगी हानि। यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, ये हमें पता है। यहाँ पर क्या हो रहा है? लाभ। यहाँ पर पता है लाभ, लेकिन इस वाले केस में हमको ये नहीं पता होता है कि लाभ हो रहा है। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखना है। तो हमें यहाँ पर, हमने बताया ना, यहाँ पर हमको पता होता है कि लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। जैसे वो कह रहा है पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है और हानि हो रही है, सब कुछ बता देगा इस वाले केस में। लेकिन अगर इस वाले केस में बात करें, जो आप लोगों के हो सकता है दिमाग में चल रहा हो कि सर ऐसा भी तो होता है, जैसे 80 पेंसिलों का क्रय मूल्य 100 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बताइए कितने परसेंट का लाभ हानि हो गया। इसका लेक्चर हम अलग से डाल देंगे, ये भी एक अलग सा केस है। ठीक है, ये अलग चीज़ है, इसमें ये नहीं पता चल रहा है कि लाभ हो रहा है कि हानि। ये कह रहा है कि 80 पेंसिलें खरीदने पर 100 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, लेकिन इसमें ये नहीं पता लाभ हानि, लेकिन इसमें पता चल रहा है, ये देखो लाभ है। ठीक है, तो ये केस अलग है, वो केस अलग है, ये चीज़ समझ लेना। ठीक है, और हमारे पूरे पूरे लेक्चर चैप्टर पर पड़े हुए हैं, उनको आप देख सकते हैं, किसी कोई समस्या नहीं होगी। तो यहाँ पर लाभ परसेंट निकालना है, तो लाभ कितने का हुआ? 20 का हुआ। कितने पर हुआ है? इसका मतलब कितने पर का मतलब होता है कि हमके सीपी, चाहे लाभ हो चाहे वो हानि, वो हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है। तो देखो, 100 पर बेचा है और 20 का लाभ हुआ, खरीदा कितने का होगा? 80 का, बटे में आएंगे 80
गुणे में रहेगा 100, 20 चक्कू 80, 4 से 100 को काटेंगे 25%, 25% का लाभ, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ओके चलिए इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। देखिए एक कपड़ा विक्रेता 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है तो दूसरा उसका लाभ परसेंट कितना होगा। अब तो आप समझ गए, लिखने की कोई जरूरत नहीं, लाभ परसेंट पूछ रहे हैं तो लाभ हुआ कितने का, 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, 11 का लाभ हुआ, कितने पर हुआ ये चीज हमें सोचना है। तो 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर का लाभ होना, जब लाभ हो रहा होगा तो हम लोग घटाएंगे, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 22 गुणे में लगाएंगे 100, 11 दूनी 22, 2 से काट देंगे 50, 50% का लाभ हो जाएगा। अगर हानि होती है तो हम लोग जोड़ते हैं, ये चीज समझिए, लाभ हो रहा हो तो घटाते हैं और हानि हो रही है तो जोड़ते हैं। तो ये सवाल अब सेकेंडों में आप कर देंगे। जैसे एक और सवाल देखते हैं, एक व्यापारी 25 मीटर कपड़ा बेचने पर 5 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। बस अब हमको 5 का लाभ हुआ है और लाभ होने पर हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं, तो 25 में से 5 गए कितने बचे 20 गुणे में लगाएंगे 100, 5 से 20 को काट देंगे 4, 4 से 100 को काट देंगे 25%, राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, तो आप लोग देख रहे होंगे कि अब यहाँ पर हमारी स्पीड बन चुकी है हम लोगों की, अब हमें कोई समस्या होने वाली नहीं है। देखो 21 चीजों को बेचने पर उनमें से हुई हानि 3 चीजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब कह रहे हैं हुई हानि, हानि कितने की हुई है 3 की, तो 3 की हानि कितने पर हुई है, ध्यान रखें हानि वाले केस में जुड़ता है, तो 21 में 3 जोड़ देंगे हो जाएगा 24 गुणे में लगाएंगे 100, 3 से काटेंगे 3 8 24 और 1/8 होता है 12.5%, इसका राइट आंसर 12.5। नहीं आता है तो 4 से काटो, 4 से काटो यहाँ 2 आ जाएगा, 100 को 4 से काटोगे 25 आएगा और 25/2 कितना होता है 12.5, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। तो ये क्वेश्चन थे, आपको हो सकता है मजा आया हो, और इसी प्रकार से वीडियो लेने के लिए अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना, ऑल नोटिफिकेशन होता है तभी आपके पास ये नोटिफिकेशन आएगा अन्यथा नहीं आ जाएगा। ओके थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।